दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो ये मोटर दिखाई दे रही है इस मोटर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पानी के टैंक से पानी को नहीं खींच पाती है। तो दोस्तों इस मोटर को आज हम चेक करने वाले हैं, तो पावर में हम लगाते हैं और इसको चेक करने का जो तरीका है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मोटर में प्रॉब्लम हो तो आपको किस तरह से चेक करना है। इस तरह से मोटर को हमने चालू किया है। मोटर को चालू करने के बाद हमको हाथ से इस तरह से लगा कर देखना है। जब हाथ को अंदर की ओर खींचेगी तो वो मोटर बिल्कुल सही होता है। तो अभी आप देख सकते हो ये मोटर है, हाथ को अंदर नहीं खींच रही है। आपको हाथ को दबा के रखना है, दबाने के बाद भी हाथ को अंदर नहीं खींच रहा है तो इस मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो हम खोल कर देखेंगे इसे। तो इसका जो हेड है वो अलग करना है। आप देख सकते हो हाथ को बिल्कुल भी इस मोटर ने नहीं खींचा है, तो हेड को हम अलग करते हैं। तो बोल्ट मैंने खोल लिए हैं, तो मोटर को मैंने किया है बंद और हेड के बोल्ट मैंने खोल लिए हैं और हेड को अलग कर दिया है। अब आपको इसका जो एम्पिलर है वो दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए एम्पिलर है वो कट जाता है। देखिए आपको एम्पिलर के ऊपर एक रिंग बन जाती है। एम्पिलर को मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको ये रिंग है वो बन गई है, यानी कि ये एम्पिलर कट चुका है। इसकी जो पंखुड़ी है वो नहीं कटता है। यहाँ से इसका एम्पिलर है और यहाँ से नीचे की ओर हो जाएगा, यानी इसमें रिंग बन जाएगा। तो समझ लेना कि ये एम्पिलर कट चुका है। तो इसमें एम्पिलर बदल कर आपको मैं बताऊँगा कि एम्पिलर बदलने के बाद हाथ को मोटर किस तरह से खींचेगा। तो एम्पिलर तो हम बदल देंगे और यहाँ पर भी एक ग्लेंडर से अच्छे से इसकी जंग है वो साफ़ कर देंगे ताकि इसका जो गैप है वो कम हो जाए और मोटर का प्रेशर बढ़ जाए। तो इसमें हम एम्पिलर चेंज करेंगे, तो बोल्ट को खोलकर एम्पिलर बदल देते हैं। दोस्तों मैंने इसमें एम्पिलर है वो बदल दिया है, ये निकाल दिया है। दोनों तरफ से देख लीजिए कट चुका है। तो ये नया मैंने एम्पिलर लगा दिया है और यहाँ पर भी मैंने ग्राइंडर से अच्छे से साफ़ कर दिया है और यहाँ से भी हमें साफ़ करना होता है। तो मैंने दोनों तरफ से साफ़ कर दिया है और अब हम इसे फिटिंग करके मोटर को चालू करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले आपने देखा होगा कि हाथ को नहीं खींच रही थी मोटर, और अब आपको मोटर को चालू करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हाथ को खींचना शुरू कर देती है मोटर। तो एक बार टाइट कर लेते हैं हम अच्छे से। तो इस तरह से पंखुड़ी भी देख लेना है कि पंखुड़ी जाम तो नहीं हुआ है। तो इस मोटर का पंखुड़ी जाम नहीं है और इसमें हम पानी डालेंगे पहले। तो पानी डल चुका है और अब हम मोटर को करते हैं चालू। तो इसके जो वायर है वो लगा लेते हैं। तो इसका वायर है वो खुल गया है, तो एक बार लगा लेते हैं वायर को। तो दोस्तों मोटर है वो चालू हो चुका है और अब हाथ को मोटर खींचना शुरू हो चुकी है। ये देखिए मोटर हाथ है, हाथ को खींच रही है, अंदर की ओर ले जा रही है। पहले अंदर की ओर नहीं ले जाती थी, और ये देखिए हाथ के साथ में मोटर भी खींच रहा है। ये देखिए, यानी कि मोटर हाथ को अंदर ले जा रही है। यानी पहले आपने देखा पहले नहीं ले जा रही थी और अब अंदर ले जा रही है। इसमें थोड़ा मिट्टी डालने से होगा क्योंकि जहाँ भी एम्पिलर हल्का सा टच हो रहा है वो साफ़ हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहले आपको हाथ लगा के देख लेना कि अंदर हाथ को खींच रही है तो मोटर सही है, अगर नहीं खींचती है तो मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों इस मोटर के अंदर हमको कट नहीं लगाना पड़ा, हमारा जो काम है वो एम्पिलर बदलने से ही हो गया है। तो दोस्तों अगर आपकी मोटर में भी इस तरह से की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से मोटर को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।